जय श्री राम दोस्तों, मैं बलवंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने और एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज वाला ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर आप लोगों के लिए। वो इसलिए क्योंकि आज मैं खड़ा हूं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे, यहां पे आप लोग देख सकते हो। और आज आपको मैं यहाँ से लेकर चलने वाला हूँ जन्मभूमि पथ तक, यानी प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर के लिए रास्ता जाता है जन्मभूमि पथ, वहाँ तक आपको लेकर चलने वाला हूँ। कुल मिला के आपको वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन मिलने वाली कि अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हो यानी रेलवे स्टेशन पे उतर रहे हो तो वहाँ से प्रभु श्री राम जी का दर्शन कैसे कर सकते हो, यानी किस पथ से आप जाके जन्मभूमि पथ तक पहुँच सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए आपको दिखाना स्टार्ट करते हैं। फिलहाल अभी आप लोग देखें मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। देखिए यही वाला है ना, नया वाला रेलवे स्टेशन, अभी आप लोग देख लीजिए। तो आप लोग अगर रेल के द्वारा आओगे यानी ट्रेन से आओगे तो आप लोग इसी जो है अगर यहाँ पे उतर रहे हो तो भाई देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि लोग आते या फिर अयोध्या कैंट पे उतरते हैं या फिर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पे। तो अगर आप प्रभु श्री राम जी के दर्शन के पर्पज़ से आ रहे हो तो इसी रेलवे स्टेशन पर उतरिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ही कम दूरी पर जन्मभूमि पथ है। ठीक है, अगर आप कैंट उतर रहे हो तो आपको काफ़ी लंबा चलना पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग देखिएगा, ये है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, कुछ यहाँ का नज़ारा इस तरीके से है। अभी जो है दूसरे फेज़ का काम चल रहा है, यानी दूसरा वाला जो फेज़ है वो बन रहा है। ऊपर देखिए इस तरीके से किरण वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इस तरीके से है व्यू। अगर देखिए यहाँ पे है दो रास्ता, आप इधर से सॉरी यहाँ से आप जाओगे मुहावरा बाज़ार, जो बनाया गया मार्ग बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है, उसके ऊपर फ्लाई ओवर से आप चढ़ के राम पथ पे चले जाओगे। एक रास्ता ये हुआ और दूसरा रास्ता जो है ये धाम, मतलब ये रेलवे स्टेशन है। ठीक है, अयोध्या वाला, यहाँ से आप उतरोगे तो आप उधर ना जाके इस साइड पर ना जाके आप इस साइड से जाओगे। तो यहाँ से भी एक सिंगल रोड बनाया गया है जहाँ से आप जाके बहुत ही कम दूरी पे बोल सकते हो 300 मीटर 4 या फिर 500 मीटर मान सकते हो, पैदल चल के आप जो है रामपथ पे जा सकते हो। और वहीं से जो है रामपथ से आप 200 मीटर या 300 मीटर चलोगे राम जन्मभूमि पथ पे पहुंच जाओगे। तो ये था कुछ डिटेल, तो यही पथ से हम चलने वाले हैं और आपको पूरा दिखाएंगे। तो फिलहाल देखिए हम इधर से चलते हैं, यहाँ पर एक पथ बनाया गया, यहाँ से निकलते हैं और पूरा मार्ग आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप पहुँचोगे, सारी चीज़ें बताएंगे। इसलिए कह रहे हैं वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये है दोस्तों सामने रेलवे स्टेशन, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया और ये सिंगल पथ बनाया गया इधर से, और इधर से हमें चलना है आपको राम पथ तक, आपको पूरा दिखाएंगे जन्मभूमि पथ तक आप किस तरीके से जाओगे। ठीक है, यहाँ से जो ये सिंगल पथ बनाया गया, ये वाला रोड जो है वो राम पथ में जुड़ा हुआ है। तो चलिए आपको पूरा दिखाते हैं किस तरीके से इस मार्ग पर क्या क्या चीज़ें हैं, पूरा आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ पर ये वाला पथ सिंगल पथ है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि जो है आज साइड साइड में क्या क्या चीज़ें हैं। आपको इस तरीके से बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी और जो लोग यहां से ट्रेन के द्वारा जाना चाहते हैं वो लोग आप लोग देखिएगा यहीं से जाते हैं, डायरेक्ट जो है रेलवे स्टेशन में पहुंच जाते हैं। बहुत ही कम दूरी जो है इस रोड का है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ से आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभु श्री राम जी के जन्मभूमि तक पहुँच जाओगे ये वाले मार्ग के जरिए। मैं इसीलिए मैं आपको पैदल चल के दिखा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को भूलिए ना, कौन सा पथ है, सारी चीज़ों को आपको याद रहे। तो इसीलिए मैं पैदल भी चल के आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए एक लाइक तो कर ही देना यार, और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छे अच्छा इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ कि अगर आप बाहर से आ रहे हो किस तरीके से राम लला का दर्शन कर पाओगे, क्या चीज़ें हैं, पूरा चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप लोग फिलहाल अभी देखिएगा तो यहाँ का कुछ इस तरीके से नज़ारा है। और इधर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, यहाँ पे एक मार्ग इस साइड से गया हुआ है जिस मार्ग के जरिए अगर आप लोग जाओगे तो ये मार्ग भी आपको आगे घूम के राम पथ में ही मिलाएगा। तो इसको आप ना जाके ये सीधा वाला मार्ग ही जाइएगा, इस वाले जो है मार्ग को कहीं पर आप छोड़ना नहीं है, आपको डायरेक्ट ये राम पथ पर ही निकालेगा। और यहाँ का भी आप नज़ारा देखोगे तो इस तरीके से चीज़ें देखिए, साइड साइड पर बहुत सारी आपको दुकानें मिल जाएंगी, अगर आपको सामान लेना चाहो तो यहाँ से काफ़ी अच्छे से ले सकते हो। और हाँ, साथ साथ अगर आप राम लला का दर्शन कर लेते हो उसके बाद वापस आपको घर जाना है तो इसी पथ के जरिए आप लोग जाके जो है अपना ट्रेन पकड़ सकते हो, अपने घर भी जा सकते हो। मैंने रेलवे स्टेशन से वीडियो स्टार्ट किया था, मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ वहाँ से किस तरीके से आपको आना है, क्या चीज़ें हैं। तो फिलहाल यहाँ का नज़ारा आप लोग देखिए इस तरीके से चीज़ें, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, देखिए यहाँ से देखिए ये सारे श्रद्धालु आपको सामने दिख रहे होंगे, ये सभी लोग जो है रामलला का दर्शन करके अब वापस जा रहे हैं अपने घर की ओर। देखिए यहाँ से देखिए सभी लोग जितना बैग वगैरह लेकर आए थे, देखिए सभी लोग जो है जा रहे हैं अपने घर की तरफ। देखिए बहुत ही अच्छा मार्ग बोल सकते हो पैदल वालों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पास पड़ जाता है और लोगों को आराम भी रहता, ज़्यादा चलना नहीं पड़ता और सीधे सीधे जो है चले जाते हैं।
तो ये ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर देखिए देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ का व्यू। लोग यहाँ से आते भी हैं ट्रेन के ज़रिए और यहीं से जाते भी हैं अपने घर की ओर। इस तरीके से रहा दोस्तों यहाँ का व्यू। हाँ, आप लोग एक यादगार करने के लिए यानी याद रखने के लिए इस पथ को ये चीज़ें आप लोग देख लेना। आपको इस पथ पे एक ये मल्टी शॉप पार्किंग मिल जाएगा। मल्टी शॉप यहाँ पे जो है अलग अलग शॉप ओपन होते हैं, तो इसके लिए ये चीज़ें आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनाया गया है और इधर हनुमान जी की एक तस्वीर है और उधर भी प्रभु श्री राम जी की तस्वीर है। तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिए ताकि जो है आप पथ का भूलिए ना अगर आप लोग आ रहे हो तो। और फिलहाल अगर आप लोग देखिए तो ये चीज़ें हैं आगे का और जस्ट हमारे सामने रामपथ मार्ग है। ठीक है, अब आप लोग सोच सकते हो कि कितना जल्दी मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, जबकि मैंने ज़्यादा वीडियो को कटवट भी नहीं किया। मुश्किल से 5 मिनट लगता है अगर आप लोग स्टेशन से और रामपथ पे आ रहे हो। अगर आप लोग रामपथ पे आ ही गए हो तो आपको पता होगा रामपथ के बाद जन्मभूमि पश्चिम पहुँचना काफ़ी ज़्यादा आसान है। चलिए वो भी मैं आपको पहुँचा भी दूँगा, पूरा दिखा दूँगा चीज़ों का ताकि आप भूलिए ना। तो अभी देखिएगा, अभी ये चीज़ है यहाँ का इस तरीके से देखिए पूरा पथ और सामने हमारे है जो है रामपथ। ठीक है, और उसी जो है एक चीज़, हाँ, और आप लोग एक चीज़ याद रखना, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ आपके पहचान के लिए चिन्ह के लिए जिसे आप भूलिए ना, वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए इस पथ से जैसे ही आप रामपथ पर चढ़ोगे, यहाँ से रामपथ पर जुड़ोगे, आपको जस्ट सामने दिखाई देगा श्री राम चिकित्सालय, यानी ये आपको दिखाई देगा। यहाँ पे चिकित्सालय है श्री राम करके लिखा होगा, आपको दिखाई देगा ये सामने। तो आप लोग बिल्कुल समझ जाना कि आप लोग बिल्कुल सही पथ पे हो इस तरीके से। और ये है रामपथ मार्ग, मैंने कई बार दिखाया है जो लोग देख रहे हैं वीडियो को। देखिए ये है रामपथ मार्ग, इधर से पूरा 13 किलोमीटर बनाया गया है और इधर भी। तो इधर जो है जन्मभूमि पथ है, वो चीज़ें मैं आपको चल के दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से आप जन्मभूमि पथ पहुँच सकते हो। देखिए हमारे सामने जो है वो जन्मभूमि पथ हमारे बिल्कुल सामने ही है। देखिए कितना ज़्यादा आसान था, मतलब 6-7 मिनट में मैं पूरा जन्मभूमि पथ तक आपको पहुँचा दिया हूँ बिल्कुल पैदल चल के। तो आप लोग सोच सकते हो कि आपको भी 5-6 मिनट ही लगेगा जन्मभूमि पथ तक पहुँचने में। चलिए पूरा पहुँचा ही देता हूँ, आपको दिखाई देता हूँ चीज़ों को। और फिलहाल अभी आप लोग देखिए तो इस तरीके से भाई यहाँ पे हर जगह पे भंडारे वगैरह हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है कार्यक्रम चल ही रहा है। और फिलहाल अभी देखिए ये चीज़ें है यहाँ का व्यू और इस चीज़ देखिए यहाँ पे डांस भाई। तो ये चीज़ें रहा दोस्तों। और यहाँ पे जो है थोड़ा सा मुझे वॉइस भी देखना पड़ेगा क्योंकि सॉन्ग बहुत चल रहा है और कॉपीराइट का भी प्रॉब्लम है, हो सकती है हमारे लिए। तो अभी देखिएगा फिलहाल इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे। और अभी देखिए जगह जगह पे भंडारे हो रहे हैं, तो इस तरीके से श्रद्धालु जो है भोजन ग्रहण कर रहे हैं, रामलला का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और ये चीज़ें आप लोग देखिए सामने से, तो इस चीज़ ये है व्यू। अभी देखिए श्रद्धालु भीड़ लगाए हुए हैं, सभी लोग जो है दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल भीड़ है, इस तरीके से चलता रहता है। और यहाँ पर देखिए ये देखिए प्रवेश द्वार, जन्मभूमि पथ का प्रवेश द्वार आपको दिख रहा होगा यहाँ से। ये देखिए ये दोनों प्रवेश द्वार है और यहाँ से जो कि आप जाके रामलला का दर्शन कर पाओगे सीधा। देखिए इसे यहाँ से लाइन के जरिए आपको जाना होगा। तो ये चीज़ है देखिए। तो ये था दोस्तों कुछ डिटेल जो कि मैंने आपको पूरा डिटेल में दिखाया किस तरीके से आप रामलला का दर्शन कर पाओगे, पूरे चीज़ों को दिखाया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।